जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मौत का आंकड़ा 26 बताया है, लेकिन ग्राउंड पर यह आंकड़ा 40 से 42 के बीच बताया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं छपरा के सदर अस्पताल में, जहां कुछ मरीज भर्ती हैं जो जहरीली शराब पीकर बीमार होने की शिकायत कर रहे थे। इन मरीजों ने पेट में दर्द की शिकायत की थी और कई लोगों की रोशनी जो है वो जा चुकी है आंखों की और शरीर बुरी तरह से कांप रहा है। हम इन लोगों के परिजनों से बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये शराब तक पहुंचे और क्या पूरा जो प्रोसीजर था वो कैसा रहा, पूरी घटना कैसे हुई। आपका क्या नाम है? राधे देवी। आपके कौन लगते हैं जो मरीज हैं? देवर। देवर, क्या नाम है इनका? दिलीप मांझी। कब इनको अस्पताल में लेकर आए, कब पता चला कि इन्होंने शराब पी ली है? और हमने तो सुबह ले लिया सर, रात में 3 दिन हो गए पिया ना। अरे भकुआ वाला का पूछन से तक ना एक बैग सुबह का पानी है जे आँख से कौन सब हुआ कैसा नियाज बा आ तब पेट में दर्द बा आ कपार दर्द करता है आँख से धुंधरा लोकता तो हमने लेकर मसरखा गई है सर मसा से लिखा नहीं है छपरा गई है। तो इन्होंने आपको बताया कि इन्होंने शराब पी है? और ना पूछा ले तो पूछा से जगह पी ले बनी आता ना हाँ ये पॉलिथीन पी ले बनी पॉलिथीन में मिलता हाँ, है ये भी बस हाँ। तो शराब अगर बंद है देश में, नीतीश आपके राज्य में, नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, वो कहते हैं कि शराब बंद हो चुकी है, तो कैसे इन लोगों को मिल पा रही है शराब? बंद कहाँ से बताओ, खुल गया ना बेचारा जिन्हें तो ना बाहर से लोग बंद हुई तो हम लोग बिहार में बंद हुई और बाहर से आवा था माल तो में जाए लोग बेचत रहे बाहर से ना हुए तो कैसे लोग बेची। इतने सारे लोगों की मौत हो गई है शराब पी के, शराब पी के एवं छोटे छोटे बच्चा भाई ओकरा कुछ पूछे नहीं आ रहा कौन आधार है भाई कोई आधार घर के उनके बगल में दो दो आदमी मर गए छोटा छोटा उसके 3 गो बच्चा बा तो कोई आधार बा उसको कल भी आदमी मरे बड़ा लाश के रखे ना ये आधार हो गए बता देख हम यहाँ गुनिया से लेकर लगे लगे घर के लगे कतना घटना घट गए मर मर गए आदमी। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई जो मरीज़ हैं वो यहाँ से पटना में भी रेफर कर दिए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लोगों की मौत हो गई है, बहुत ही दर्दनाक उनकी कहानी है। लेकिन महिलाओं का सवाल ये है कि अगर शराब बंद हो गई है, नीतीश कुमार ने शराब बंद कर दी है, तो अब तक कैसे मिल रही है? इस सरकार को मैं एक ही बात कहूँगा, नहीं तो इसको बंद कर दे और नहीं तो हर बॉर्डर पे एक प्राइवेट नौजवान को, हर बंगाल पे हुआ इधर यूपी पे हुआ, 10-10 नौजवान को बहाल करे जो सरकार के गुलाम नहीं हो, सरकार का अफसर नहीं हो, सिंपल वो प्राइवेट आदमी हो, सरकार को भरोसा करे कि मेरा वर्क करेगा और बिहार में शराब को किसी भी एंगल से इस बिहार में प्रवेश नहीं होने देगा। माननीय नीतीश कुमार से मैं एक गुहार लगाऊंगा, IAS रखे हैं, जिला पदाधिकारी DM भी रखे हैं, सब कुछ रखे हैं। मैं इस सरकार को, उनकी सोच को मैं समर्थन भी करता हूँ कि शराब को बंदी करने में उन्होंने हर एक घर को आगे बढ़ाने का काम किया है, पर इस सरकार को हर एक बॉर्डर पर 10 को प्राइवेट नौजवान का वो बहाली निकाले कि यूपी में 10 वो रहे, बंगाल के बॉर्डर पे रहे। आप ये बताइए, शराब मिलना कितना आसान है यहाँ पे, आपके गांव में कितनी आसानी से मिल जाती है? सिंपल है। कैसे मिलती है? अब वो कैसे मिलती है, यहाँ पे होम डिलीवरी होता है, एकदम होम डिलीवरी चल रहा है, हर लोग पी रहे हैं, हर लोग जो भी पैसा दिए उनको शराब मिल गया। तो आपने पी, उसके बाद क्या था? आपको महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है। मैंने पी रखी है, ये भी बात सही है। तो क्या क्या लक्षण दिखे आपको? अच्छा लगा। क्या आपने पिया था, कौन सा ब्रांड था, लोकल था, क्या था? मैंने अच्छा लगा कि महसूस करने लगे कि हमको नशा होने लगा, आँख से दिखने नहीं लगा और सब कुछ अब ठीक है। छपरा जिले के सदर अस्पताल में मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इन लोगों को घर कब भेजा जाएगा, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई है उनके घरों में मातम पसरा है। इस मामले से जुड़ी और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ। छपरा से प्रवीण जैन के साथ नूतन शर्मा।